लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार भी बना ली है और अब लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं देखा जाए तो बीजेपी को इस बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी जेडीयू जैसे परियों पर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से उनकी सीमा इस बार कम रही, जिस वजह से सरकार बनाने के लिए उन्हें अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद संकेत गोखले ने दावा किया है कि बीजेपी की 3 सांसद अपना पाला बदलने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद संकेत गोखले ने कहा कि भाजपा के 3 सांसद जल्दी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उनके पास केवल 237 सांसद ही बचेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 237 से 240 सांसद हो जाए। लिहाजा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। 2019 की लोकसभा चुनाव की तरफ ध्यान दे तो बंगाल में हुए चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच केज की टक्कर चली थी और उसे इस समय कांग्रेस ने 22 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 16 सीट जीतकर 18 पर पहुंच गई थी। इस आंकड़े को देखते हुए भाजपा ने 2024 में बंगाल से 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उन्हें यह भारी नुकसान हुआ और बीजेपी ने बंगाल में 12 सीट ही जीती, जबकि 3 मूल कांग्रेस ने 60 सीट ज्यादा जीतकर वह 29 में पहुंच गई।